कायमगंज में पंकज कुमार विद्युत विभाग में लाइनमैन है। ग्राम अजमतपुर कुआखेड़ा के निवासी हैं। ये बिजली घर से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोग लाइनमैन के पीछे लग गए। जैसे लाइनमैन शिवाली से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तभी ट्रांसफार्मर के पास दबंग चोरों ने उसकी बाइक रुकवा ली और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 10,000 रुपये छीन लिए और लाइनमैन के साथ मारपीट भी की। पंकज लाइनमैन गाड़ी का नंबर देख लिया और उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने यूपी की मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया और पुलिस ने कल का आश्वासन पीड़ित को दिया है। लेकिन कायमगंज में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन लूट व चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना है कि लाइनमैन के 10,000 रुपये मिल पाते हैं या नहीं, या चोरों पर क्या कुछ कार्यवाही होती है। थाना कंपिल में ग्राम है सविताप, वहाँ विनोद नाम के एक व्यक्ति को वहाँ की जंगल कटरी में जो उसका ढाला है वहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भारी मात्रा में उपकरण और निर्मित अर्धनिर्मित तमंचे और बड़ी गन बरामद की गई। इस मामले में कंपिल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें विनोद कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी सवितापुर पकड़ा गया है और इसके दो साथी भाग जाने में सफल रहे। इस पूरे प्रकरण में इस अपराध से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति जांच में पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके गैंग था तो लोग कहाँ कहाँ ये लोग हथियार सप्लाई करते थे कुछ? देखिए, ये जो भी गैंग है ये अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है ये केवल तमंचे का और फायर आर्म्स का निर्माण करता था। तीन व्यक्तियों के नाम हमारे पास हैं जिसमें से गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें जो विनोद कुमार है इसका एक आपराधिक इतिहास भी है। इसके विरुद्ध 2 मुकदमे 191/23, 3/5/25 आर्म्स है तथा दूसरा 116/02, 302/201 IPC कंपिल में पंजीकृत है पाए गए। अन्य थानों से जानकारी अभी की जा रही है। जो बरामदगी हुई है इसमें 9 तमंचे 315 बोर के हैं, 2 तमंचा 12 बोर का जो अर्धनिर्मित है तथा एक अदद बंदूक है जो 12 बोर की है। इसके अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण जिसमें कि ड्रिल मशीन, निहाई, हथौड़ी, छेनी आदि है, ये सब बरामद किया गया है।